महेश सलामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। टोरेंट पावर की बिजली व्यवस्था से लोग काफ़ी परेशान हैं, घंटों बिजली काटी जा रही है, वो भी रमज़ान के महीने में। रात के समय बिजली कटने से लोगों को घंटों घरों के बाहर बैठना पड़ रहा है। इसी तरह से दिन में भी बिजली कट रही है और लॉकडाउन में लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं और घर के अंदर ही गर्मी से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। मुमरा कौसा के कई इलाके ऐसे हैं जहां बिजली घंटों काटी जा रही है। कहीं वायर जल गया है तो कहीं ट्रांसफार्मर में खराबी आ गई है। हर रोज इसी तरह से कुछ ना कुछ खराबी होती है और लोगों को अंधेरे में जीने को मजबूर हैं। इसी तरह से संजय नगर में भी लोग टोरेंट पावर के खिलाफ हैं क्योंकि कई दिनों से लोगों को बिजली की समस्या से झेलना पड़ रहा है। मगर टोरेंट पावर की लापरवाही इस कदर है कि शिकायत करने पर भी जल्दी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। संजय नगर के नाके पर ही एक बिजली का खंभा है और कई बार इस खंभे से खराबी हो रही है और बनाकर जाते हैं और कुछ ही देर बाद दोबारा खराब हो जाता है। लोगों का कहना है कि इनके पास टेक्नीशियन ठीक नहीं है, जो पता ही नहीं लगा पा रहा है कि आखिर बार बार इस खंभे पर खराबी क्यों हो रही है। मुमरा कौसा में तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां भी नहीं है कि जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो और बार बार बिजली काटी जाए, मगर सच्चाई यही है कि मुमरा कौसा में बार बार बिजली काटी जा रही है और कहीं ना कहीं इसी तरह से बिजली के खंभों पर भी खराबी आ रही है और इस खराब बिजली व्यवस्था के लिए कोई भी नेता सामने नहीं आ रहा है। और क्यों नहीं आ रहा है ये भी सोचने वाली बात है। आखिर ये नेता टोरेंट पावर की इस बिजली व्यवस्था पर शहर के नेता आखिर चुप क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। लोगों का ये भी कहना है कि जो टोरेंट का हेल्पलाइन नंबर है उस पर भी कॉल करने पर बहानेबाजी की जाती है कि इससे बात करें उनसे बात करें, ये हमारे अंडर में नहीं आता है। अब सवाल उठता है कि बेहतर सेवा देने की बात करने वाली टोरेंट पावर कंपनी की बिजली सेवा बद से बदतर हो गई है। इस गर्मी में लोग बिजली न होने से बुरा हाल है और संजय नगर के नाके पर बिजली के खंभे पर बार बार खराबी होना, इसकी वजह से लोगों को और काफ़ी परेशानी हो रही है। जब टोरेंट पावर के टेक्नीशियन और लेबर वहां पहुंचे तो लोगों ने जानना चाहा कि आखिर ये बार बार खराब क्यों हो रहा है, मगर कोई भी टोरेंट का कर्मचारी लोगों को बताने को राजी नहीं हुआ कि आखिर ये खराबी क्यों हो रही। इस दौरान लोगों की काफ़ी भीड़ भी वहां इकट्ठी हुई, मगर काफ़ी देर बाद इस खंभे पर जो खराबी थी उसे ठीक किया गया है और लोग किस तरह से टोरेंट पावर की बिजली व्यवस्था से परेशान हैं, सुनिए कि लोगों ने क्या कहा। हम लोग के इधर बहुत दिन से तकलीफ है, जो लाइट नहीं आ रही है, जो जाती है लाइट दो दो तीन तीन घंटा, उसके बाद आती है पाँच मिनट के लिए आती फिर चली जाती है लाइट। लाइट की बहुत तकलीफ है, हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, परेशान है, फोड़ियाँ हो गई उनको। मैं कल जाके झगड़ा की, कल रात में उन लोगों ने लाइट बंद किए, कल अखा दिन लाइट नहीं दिए, फिर रात में लाइट बंद किए, मैं जाके झगड़ा की। कितने दिन से हो रहा है थे? ये तो अभी हो रहा है, जब से ये टॉर्टर आने के बाद से ही हो रहा है, लाइए एक महीना हो गया। क्या कितने कितने घंटे गायब रहे? अरे बाबा ये मत पूछो, हमारे फ्रिज का सामान खराब हो गया, हम लोग को तकलीफ हो गई, बच्चे लोग फोड़ी से भर गए, बहुत परेशानी हो रही है। यानी बिजली रहती नहीं बराबर? हाँ नहीं रहती बिजली, उससे तो पहले हमारा अच्छा था। कंप्लेन वगैरह कुछ किए टोरेंट में? ऐसा किए ना कंप्लेन। क्या बोला गया उधर? क्या बोले, बोले बना रहे। कल भी मैं रात में गई थी, मैं तीन बच्चे लेके गई, चिल्लाई मैंने बच्चे लोग को, भाई पता नहीं अभी टेक्निकल प्रॉब्लम है। हम लोग जब भी फोन करते हैं, जब भी आते हैं हमें टोरेंट वाले, तो वो ये खंभा बिजली, ये खंभे से लेके ये खंभे की बिजली, बस इतना ही काम करते, पाँच दिन से उनको फॉल्टी नहीं मिल रहा, क्या प्रॉब्लम हो रहा है? रात में दो दो तीन तीन बजे तक काम कर रहे हैं और लाइट अफतारी के टाइम पे भी जा रही है और शहरी के टाइम पे जा रही है। पब्लिक इतनी परेशान हो गई हम लोग की यहाँ की, बोले भाई इससे अच्छा तो MACB जैसी सड़ेली कंपनी जो भी थी वो ठीक थी, ये टोरेंट बोले अच्छी कंपनी है और हम लोग को फ़ायदा होगा इससे, लेकिन वैसा कुछ नहीं, उल्टा ये ऐसा हो गया, MACB से अच्छी थी टोरेंट आगे ख़राब हो गया। लोगों को इतनी परेशानी है, लोग इतने परेशान हो गए कि फ़ोन कर करके भी टोरेंट वाले कोई आ रहे नहीं, ऑन टाइम आ रहे नहीं, आ रहे भी तो पाँच पाँच छः छः घंटा काम को लगा रहे और आ रही 10 मिनट की लाइट आ रही है फिर जा रही है, आ रही है जा रही है, तो एकदम बजन हो गए लोग टोरेंट से लेके, टोरेंट को लेके।
अच्छा कुछ कंप्लेन करने जा रहे हैं तो बराबर बोल रहे हैं कि जो है वो लोग कंप्लेन सुन नहीं रहे हैं आप लोग। नहीं कंप्लेन सुन रहे नहीं, कंप्लेन है ना एक्चुअली ऐसा प्रॉब्लम है ना, रात के टाइम फोन लगा रहे हैं फोन ड्रॉप हो जा रहा, फोन लग रहा नहीं है, और जब भी लग रहा है ना बोले भाई ट्रांसफार्मर जल गया और आएंगे, और पूछे कितना टाइम लगेगा तो बोलते हैं कि भाई 3 घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा, और 5-5, 6-6 घंटा लग जा रहा है। एक डेढ़ महीने ये खंभे पे कितनी बार हफ्ते में खराब हो चुका है? अरे भाई अभी ये खंभे पे जो है ना अभी लगभग है ना कंटिन्यू 3 दिन से काम कर रहे लोग, कल रात में 1:30 बजे तक काम किए इन्होंने, फिर भी आज सुबह से लाइट नहीं थी। अभी काम करके देखो, अभी आप देख लो अभी काम करके अभी लाइट आई है, हफ्ते के बाद ये भी लाइट भी चली जाएगी। पता नहीं इनको प्रॉब्लम ही नहीं मिल रहा है, पता नहीं अन जो क्या कहते हैं प्रोफेशनल नहीं है लोग के पास, ऐसा लग रहा है कि जो एक्सपीरियंस वाला नहीं है, किसी को भी लाके चढ़ा रहे हो काम कर रहे हो, बस थोड़ी टाइम के लिए लाइट रह रही फिर चले जा रही है, ऐसा प्रॉब्लम हो जा रहा है। लाइट का प्रॉब्लम है, लाइट टाइम पे रहती नहीं है, इन लोग एक बार लाइट लेने आते हैं तो गए तो 4-4 घंटा लाइट आती नहीं है। सुबह में 12 बजे लाइट गई थी, दोपहर में 3 बजे लाइट आई है। अभी सब रोजगार इंसान रहता है, पकाना रहता है, सब करना पड़ता है, तो कैसा करेगा? और वो होने के बाद रात को 8 बजे लाइट गई है, रात सुबह में 4 बजे लाइट आई है, तो इंसान शहरी करना, बच्चे का सुना, बूढ़े इंसान लोग कैसा होना। अच्छा खराबी कहाँ पे होती है? खराबी है खंबे से खराबी होती है। अच्छा, तो ये लोग बनाने आते हैं इधर के लिए? आते हैं चले जाते हैं, क्या काम करते पता नहीं, आए थे इन लोग 12-12, 13 आदमी लेके आते, दो दो गाड़ी। ये भी जानकारी कि ये लोग ठीक करते हैं उसके बाद फिर फौरन खराब हो जाता है? 2 मिनट ठीक करेगा नहीं फिर वापस लाइट चली जाती है, इन लोग क्या ठीक करते हैं? इससे अच्छा तो MEC थी जो आके ताव तो रेडी कर लेती थी, इन लोग को बुलाएंगे तो बोलते ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, जंपर वाला अलग बनाता है, खंभे पे चढ़ने वाला डिपार्टमेंट अलग है। तो टोरंटो का मतलब क्या है, MEC बोले तो पूरा आ गया, एक ही आदमी सब काम करता है, ये फ़ोन करेगा दोस्ती में, वहाँ से दूसरा साहब आएगा वो देखेगा, फिर दूसरे आदमी को बुलाएगा, सब करता है। उसमें 4-4 घंटा लाइट नहीं, तो इंसान क्या करेगा घर में? संजय नगर के अंदर तो लाइट का इतना बड़ा हाल है कि संजय नगर में लोग गरीब लोग रहते हैं, इसके लिए लोग जानबूझ के करते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन संजय नगर में इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, रात को 4-4 बजे तक लाइट नहीं आती है। जब 4 बजे लाइट आती है तो यहाँ के मुसलमान भाई लोग सहरी करते हैं, और सहरी होने तक बच्चे लोग को लेके भाई रास्ते पे ओटे पे बैठते हैं, घर में बैठने लायक जगह तो है ही नहीं, कि इतना गर्म होता है कि पूछो मत, बेहद गर्म होता है। और अभी अफ्तारी का वक्त बाकी है, अब लाइट गई है, शायद अभी आई है शायद लाइट, ऐसे अब लाइट अफ्तारी करेंगे तो लाइट जाएगी, नमाज़ पढ़ने का वक्त आएगा तो लाइट जाएगी, बस यही परेशानी है। और अभी कौन सी एक नई कंपनी आई शायद, तो उसके पास तो कोई सुनवाई नहीं, टोरेंट उनके पास तो कोई सुनवाई नहीं है। हमने अपने बेटे को 2-4 टाइम भेजा तो बोले कि एप्लीकेशन दे दो बाद में देखेंगे, एप्लीकेशन दिया बाद में गए तो उनके पास कोई सुनवाई नहीं है। कोई एक मुस्लिम शेख साहब कोई है बोले हमारे आदमी लोग आएंगे, कोई आने को तैयार नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं, और गरीबों की सुनवाई नहीं है भाई। इधर में यहाँ पे संजय नगर में 99% गरीब लोग रहते हैं, झोपड़धारी लोग रहते हैं, और हमारी कोई सुनवाई नहीं है, हमारे हम लोग लाइट से बहुत परेशान हैं। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।